अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। इसे लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इस बीच इस भव्य आयोजन पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अंसारी को शुक्रवार को मिला। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से निमंत्रण कार्ड सौंपा है। निमंत्रण लेकर इकबाल अंसारी ने कहा कि मुझे खुशी है कि भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। अयोध्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समुदाय की भूमि है, ये हमेशा सद्भाव की भूमि बरकरार रहेगी। पान में आए विनाशकारी भूकंप और वहां चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों के लिए इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और आपदा की इस घड़ी में जापान के लोगों से अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। जापान में 4 जनवरी को आए विनाशकारी भूकंप में 80 से अधिक लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री किशिदा को लिखा कि भारत जापान और आपदा से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा कि एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदार के रूप में भारत जापान के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और आपदा की इस घड़ी में भारत जापान को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। बिरला ने आज संसद भवन परिसर में रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट श्री रॉसिन डेल्जियाजकोव के नेतृत्व में भारत के दौरे पर आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक की। भारत और बुल्गारिया के बीच वर्षों पुराने और सुदृढ़ मैत्री संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, जन केंद्रित शासन व्यवस्था और पारदर्शिता के साझे मूल्यों में विश्वास करते हैं। उल्लेख किया कि दिसंबर 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।